नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। हर वर्ष की परंपरा के अनुसार इस साल भी भव्य रूप में संस्कार कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि इस बार 1,00,000 कांवड़ियों के साथ 17 जुलाई को गौरीघाट से कांवड़ यात्रा समर्थ गुरु भैया जी सरकार के सानिध्य में आरम्भ होगी और कैलाश धाम में यात्रा का समापन होगा। सावन के दूसरे सोमवार को निकाली जाने वाली संस्कार कांवड़ यात्रा इस बार भी भव्य रूप में निकाली जाएगी, जिसमें 1,00,000 कांवड़िये शामिल होंगे। एक कांवड़ में नर्मदा जल और दूसरी कांवड़ में देव वृक्ष लेकर कांवड़िये गौरीघाट से 35 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस दौरान प्रकृति प्रेम के साथ सगुण उपासना का संदेश दिया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि कांवड़ यात्रा में रामधुन संकीर्तन के साथ झांकियां एवं लोक नृत्य मंडलों के कलाकारों की प्रस्तुति भी होगी। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की पावन सोच है, यही एक कारण है कि इस संस्कार कांवड़ यात्रा में जो कांवड़धारी श्रद्धालु हैं, भक्त प्रेमी हैं, वो कांवड़ के एक पात्र में माँ नर्मदा का जल और दूसरे पात्र में शिव स्वरूप देव स्वरूप वो वृक्ष को रखते हैं और रखते भर नहीं है, उसको संरक्षित करने का संकल्प भी लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज संस्कार कांवड़ यात्रा की देन की एक पर्वत श्रृंखला भर नहीं, माँ नर्मदा के तटों में, पथों में, लोगों के आंगनों में, रोडों में, खेतों में लाखों वृक्ष जो है अभी तक जो पौधे लगे तो वृक्ष में तब्दील हो गए। इस संस्कार कांवड़ यात्रा का एक बड़ा जो संदेश है वो यही है। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं जनप्रतिनिधियों समेत संत महंत भी शिरकत करेंगे। सावन सोमवार को संस्कारधानी में निकाली जाने वाली भव्य कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी टीके विद्यार्थी ने शनिवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मटामर स्थित कैलाश धाम मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर मंदिर परिसर में की जाने वाली व्यवस्थाओं, यातायात के लिहाज से वैकल्पिक मार्गों सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। सावन के द्वितीय सोमवार यानी 17 जुलाई को संस्कारधानी में संस्कार कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन होगा। मां नर्मदा तट ग्वारीघाट से शुरू होने वाली संस्कार कांवड़ यात्रा शहर का भ्रमण करते हुए खमरिया मटामर में स्थित कैलाश धाम में समाप्त होगी। इस भव्य आयोजन को मद्देनजर रखकर शनिवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी टीके विद्यार्थी मटामर स्थित कैलाश धाम मंदिर पहुँचे। दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मंदिर का भ्रमण किया और मंदिर के आसपास यातायात सुरक्षा के लिहाज से की जाने वाली व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडिशनल एसपी और अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र मां नर्मदा के विविध रूपों के अनूठे संकलन को अब हर कोई देख सुन सकेगा। पूर्व कलेक्टर और आईएएस अधिकारी रहे वेद प्रकाश के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कराई गई है। नर्मदा की ध्वनिया यानी साउंड्स ऑफ नर्मदा के नाम से बनी इस डॉक्यूमेंट्री की प्रथम स्क्रीनिंग रविवार को शहीद स्मारक गोल बाजार में होगी। इस आयोजन में पूज्य संत, गणमान्य नागरिक और मां नर्मदा के भक्त बड़ी संख्या में शामिल होंगे। नर्मदा जी और उसके किनारे की जो प्राकृतिक और वहां से गुजरने वाले लोग, वहां के आध्यात्मिक चीज़ों को लेके जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ध्वनियां हैं और आवाज़ है, उसको रिकॉर्ड करके ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इसमें न कोई डायलॉग है, न कोई स्क्रिप्ट है और ना कुछ अलग से समझाने का कुछ ब्यौरा या लिख के उसमें कुछ दिया गया है। तो स्वतः जो ध्वनिया और जो आवाज़, वो कुछ संगीत है, कुछ भजन भी बीच में हमें सुनाई पड़ता है। हाँ, अलग अलग स्थानों पे नर्मदा जी के बहने की अलग अलग आवाज़ है, वो उनकी ऊंचाई और मौचियों पर निर्भर करता है कब कितना पानी है। तो इन सबको उसमें समाहित करने की कोशिश की गई है और इस तरह से जो एक विचित्र नर्मदा जी की कृपा से बन के आया है, उसका नाम है ध्वनिया नर्मदा की। खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रेमनगर गुरुद्वारा में विधायक कप स्पर्धा के तहत बेंच प्रेस, पंजा कुश्ती और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 700 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
दशमेश द्वार स्थित गुरुद्वारे में विधायक कप के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बना। पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और पंजा कुश्ती जैसी विधाओं में लड़कों के साथ लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खिताब के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी अपना दमखम दिखाया। स्पर्धा में मास्टर्स, सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर कैटेगरी में 700 से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल रहे। दोनों मिलाकर लगभग 80 है और पंजा कुश्ती में 30 से 35 और बेंच प्रेस में भी 40 से 45 के आसपास संख्या लिए और लगभग 70 से 80 दोनों में मिला के पंजा कुश्ती और हैंडीकैप की संख्या 20 से 25 है विकलांग जो है। पुरस्कार क्या दिया? प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी एवं मेडल प्रदान किए गए। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को मालवीय चौक पर NSUI के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पटवारी भर्ती परीक्षा परिणामों के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और साथ ही झड़प हुई। वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मामा टोपी पहनकर पटवारी भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा परिणामों को लेकर अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस, NSUI और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार को मालवीय चौक पर NSUI की जिला इकाई द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने CM का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को रोका गया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने पानी का सहारा भी लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। NSUI के पदाधिकारियों ने पटवारी भर्ती परीक्षा की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। अभी हाल ही में पटवारी परीक्षा परिणाम जो जारी हुआ है, उसमें भाजपा सरकार के विधायक जो थे उनके कॉलेज में जिस तरीके से धांधली हुई है उस पटवारी परीक्षा में, उसके विरोध में आज हम यहां पर जो है पटवारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे पुतला जलाकर। हमारी ये मांग थी कि पटवारी भर्ती परीक्षा जो हुई है कि उसकी न्यायिक जांच करवाई जाए CBI से, तथा जो परीक्षा आयोजित हुई है उसमें जो है जल्द से जल्द छात्रों की सुविधा को देखते हुए दोबारा ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाई जाए। वहीं दूसरी ओर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामा टोपी पहनकर और हाथ में तख्तियां लेकर पटवारी भर्ती परीक्षा परिणामों के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार को आड़े हाथों लिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले को लेकर आने वाले समय में सांसद और विधायकों का घेराव किया जाएगा। मामा की टोपी पहनकर जिस प्रकार मामा ने हमारे छात्रों को टोपी पहनाई है, इसका हमने पुरजोर विरोध किया है। जिस प्रकार इन्हें व्यापम में घोटाले किए हैं, और मैं चेतावनी देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, इस कार्यक्रम को आप बहुत शालीनता से समझें, मगर जो अब हम आगे का कार्यक्रम करेंगे तो कलेक्ट्रेट का घेराव भी हो सकता है और सांसद के घर का घेराव भी हो सकता है, भाजपा के विधायकों के घर का भी घेराव हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं। और जब तक छात्रों और छात्राओं को हम पूरा उनका दायित्व नहीं दिला देंगे, उनको न्याय नहीं दिला देंगे, तब तक हम यही आंदोलन करते रहेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के सदस्य शामिल हुए। होलीपाथर स्थित राज्य वन अनुसंधान परिसर के बॉटनी गार्डन से चंदन के पेड़ों को काटकर लकड़ी चोरी करने वाले दो संदिग्धों को वन विभाग ने शिकंजे में ले लिया है।
वन विभाग के अधिकारी अब ये पता लगाने में जुटे हैं कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल थे। ग्वारीघाट रोड पोलीपाथर में स्थित राज्य वन अनुसंधान केंद्र परिसर से चंदन के पेड़ों को काटकर लाखों रुपए कीमत की लकड़ियां चोरी करने के मामले में वन विभाग ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। राज्य वन अनुसंधान केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी के निर्देश पर SFRI की RRO वंदना ठाकुर के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने शिवा बर्मन और ढिल्लू सिंह मरावी को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि वन विभाग में डॉग स्क्वाड की मदद से दोनों को पकड़ा जा सका और फिर चंदन की लकड़ियां भी बरामद कर ली गईं। हालांकि अब विभाग के अधिकारी इस मामले में किन किन लोगों की संलिप्तता है इसका पता लगाने में जुटे हैं। गौरतलब है कि मामले के सामने आने के बाद डिप्टी डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी ने मामले की जाँच के निर्देश दिए थे। कटंगी के कूड़न मोहल्ले में महिलाएं अवैध कच्ची शराब बनाने का कार्य कर रही थी। आबकारी विभाग की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी और भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के लिए रखा गया लाहन हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की। इस मामले में 3 महिलाओं और 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने वाले सक्रिय हैं। शनिवार को कटंगी के कोड़न मोहल्ले में आबकारी विभाग ने दबिश दी। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही थी। आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में लाहन बरामद कर नष्ट करने की कार्रवाई की, साथ ही मौके से अवैध कच्ची शराब भी जब्त की। कटंगी के कोड़न मोहल्ले में अवैध कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना पर आज सुबह सुबह दबिश दी गई थी, जिसमें विभिन्न स्थानों से अलग अलग घरों से जो है 45 लीटर कच्ची शराब और 450 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद की गई है और 5 आरोपियों के मौके पर गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें जमानत मुचलके पर रिहा किया गया है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक आर्मी ऑफिसर की कार और बुलेट में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बुलेट सवार भाजपा पार्षद का पुत्र और उसका एक साथी घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के CCTV वीडियो भी सामने आए हैं। गोरा बाजार थाना पुलिस सड़क हादसे की जाँच कर रही है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात एक आर्मी ऑफिसर की MG हेक्टर गाड़ी से बुलेट पर सवार 2 युवक रोहित केवट और उसका साथी वीरेंद्र सिंह ठाकुर टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि रोहित बुलेट से उछलकर दूर जा गिरा। दोनों घायलों को हादसे के बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही रोहित की मौत हो गई, जबकि उसका साथी वीरेंद्र अब भी इलाजरत है। घायल वीरेंद्र रांझी क्षेत्र की भाजपा पार्षद संतोषी ठाकुर का पुत्र है। इस हादसे के CCTV वीडियो भी सामने आए हैं। तो पीछे से एक मैरून करल की कार क्रमांक MP HP 63B 7664 का चालक तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक कार चलाकर पीछे से उनकी बुलेट मोटरसाइकिल पर टक्कर मार दिया, जिससे पीछे बैठे रोहित केवट को सिर में गंभीर चोट आई थी और वाहन चलाने वाले वीरेंद्र ठाकुर को बाएं पैर में चोट लगी है। 108 एम्बुलेंस से दोनों को विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया तो डॉक्टर साहब द्वारा रोहित केवट को मृत घोषित कर दिया गया है और वीरेंद्र ठाकुर का इलाज अभी प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि ये हादसा रिज रोड को मुड़ने वाले मार्ग पर हुआ। जिस गाड़ी की बुलेट से टक्कर हुई वो कर्नल स्वामी भटनागर की है। गोरा बाजार पुलिस ने हादसे में मृत हुए युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद इस घटना की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि बुलेट सवार रोहित और वीरेंद्र सदर क्षेत्र से मोबाइल खरीदकर वापस रांझी अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। और आइए अब एक नज़र डालते हैं मौसम पर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून सक्रिय है, ऐसे में शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हुई। जबलपुर में शनिवार सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक करीब 3 इंच पानी बरस गया। मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी 24 घंटे में जबलपुर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को बारिश का क्रम जारी रहा।
बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। शनिवार को जबलपुर जिले में भी बारिश हुई। सुबह 8:30 से लेकर शाम 5:30 तक यानी 9 घंटों में करीब 3 इंच पानी बरस गया, जिसके बाद इस मानसून सीजन में बारिश का आंकड़ा 16.5 इंच को पार कर गया है। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सेंट्रल यूपी के दक्षिण पार्ट में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। एक ट्रफ लाइन भी वेस्ट एमपी से गुजर रही है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश की एक्टिविटी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने जबलपुर संभाग के जिलों में आगामी 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने, बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जाहिर की है। शनिवार को जबलपुर जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।